वडोदरा शहर में कल शांतिपूर्ण माहौल में गणेश विसर्जन संपन्न होने के बाद शहरी चार कृत्रिम तालाबों की हालत उफंड रही है। ऐसे में पानी और प्रतिमा से उभर रहे वैसे ही तालाब में ढेरों गंदगी का साम्राज्य छाते हुए कहीं न कहीं कॉरपोरेशन की लापरवाह कामगिरी प्रकाश में आई है। वडोदरा शहर में कल 2 साल कोरोना महामारी के बाद रंगे चंगे माहौल में शांतिपूर्ण माहौल में गणपति जी का विसर्जन संपन्न किया गया, तो वहीं कॉरपोरेशन तथा पुलिस प्रशासन द्वारा ये विसर्जन को संपन्न करने के लिए कमर कसी थी। शहरी चार कृत्रिम तालाबों के अलावा कोई भी तालाब में विसर्जन पर प्रतिबंध लादा गया था। ऐसे में अब विसर्जन के बाद शहरी कृत्रिम तालाबों की हालत काफी दयनीय बनी है। जाहिर सी बात है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा प्रतिमा की ऊंचाई पर कोई भी नीति नियम नहीं रखा था। ऐसे में कई आयोजकों ने विशाल प्रतिमा की स्थापना करने के बीच अब कॉरपोरेशन की नीति के मुताबिक सिर्फ 4 ही कृत्रिम तालाबों में विसर्जन को कहा गया था। ऐसे में अब विसर्जन की ये दिन के बाद कृत्रिम तालाबों की हालत और भी दयनीय बनी है, जिसको लेकर भाविकों में भारी आक्रोश छाया है। मर्यादित तालाब के सामने यहाँ पर हजारों की तादाद में मूर्ति यानी कि प्रतिमा का विसर्जन होते हुए तालाब में प्रतिमाएं तथा पूजन सामग्री का ढेर बनते हुए गंदगी का साम्राज्य छाया है। तो वहीं आज शनिवार होने के बावजूद कॉरपोरेशन द्वारा यहां पर सफाई कामगिरी नहीं करते हुए यहां पर श्रद्धालु लोगों की धार्मिक भावना को काफी ठेस पहुंची है, जहां शहर के नौलखे स्थित कृत्रिम तालाब भी उभरते हुए कहीं प्रतिमा के हाथ तो कहीं पैर तो कहीं सर और ढेरों पूजन सामग्री का ढेर नजर आ रहा है, जिसको लेकर आज स्थल पर पहुंचे वैसे सामाजिक कार्यकर अतुल गामे जी ने तंत्र पर तीखे प्रहार करते हुए जल्द से जल्द ये धार्मिक भावना को ठेस न पहुंचे उस दिशा में कामगिरी મહાનગરપાલિકા દ્વારા વડોદરા શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં 4 કૃત્રિમ તળાવો બનાવીને વડોદરા શહેરની જનતાના નાના મોટા ગણપતિ કે મંડળોના ગણપતિ વિસર્જનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી। બીજી બાજુ જોવા જઈએ તો જ્યારે વિસર્જનનો સમય હતો ત્યારે વડોદરા શહેર પોલીસ होमगार्ड तो वडोदरा महानगरपालिका तमाम सात सहकार आप विसर्जन व्यवस्थित थी गयु, परंतु बीजी बाजु जुवा जाइए कि आज तलाव है यनी अंदर मूर्तिओ अत्यारे देखाई रही है, अस्तव्यस्त हालत में है, तूटेली हालत में खंडित हालत में मूर्तिओ देखाई रही है, साथ फूल छोड़ पण देखाई रहा है। त्यारे जे रीते गुजरात में विधानसभा की चूंटणी आई है, चूंटणी ने ध्यान में राखी गुजरात सरकारे मोटी मूर्तिओ बनावानुं जे लोकोने कही दीधुं ने मोटी मोटी मूर्तिओ बनाईने आजे विसर्जन कर्युं छे, आ मोटी मूर्तिओ जे विसर्जन थई शकी नथी, जेना मूर्तिओना जे लाकड़ा छे बराबर बहार देखाई रह्या छे, जेना कारणे मूर्तिओ विसर्जन थई शकी नथी। साथे साथे जे रीते वडोदरा शहેરની જનતાએ હરણી વિસ્તારમાં કૃત્રિમ તળાવ જે આવ્યું છે એ તળાવમાં પણ સીધે સીધા ફૂલ છોડ નાખી દીધા છે, સાથે મૂર્તિઓ પણ અસ્તવ્યસ્ત હાલતમાં થયા છે, અને આ તળાવ જોવા જઈએ તો એક નાનું તળાવ પડ્યું, સાથે સાથે જે વેક્સિનમાં એક કૃત્રિમ તળાવ હતું એ બંધ કરી દીધું, જેના કારણે ત્યાંની તમામ જનતા મંડળો દ્વારા હરણી વિસ્તારમાં વિસર્જન કરવામાં આવ્યું, તેના કારણે પણ અત્યારે જોઈ શકાય ત્યાં દયનીય હાલત તળાવની પણ છે, એટલે તળાવ મોટું કરવું પડશે। સાથે સાથે વડોદરા શહેરની જનતા તેમજ જે પણ લોકો છે એમને વડોદરા મહાનગરપાલિકાનો તેમજ વડોદરા શહેરના કલેક્ટરશ્રી પોલીસ કમિશનરનો આભાર માન્યો છે, પરંતુ હાલમાં જે મૂર્તિઓ અને જે પણ તળાવમાં ગંદકી દેખાઈ રહી છે એ વડોદરા મહાનગરપાલિકા વહેલામાં વહેલી દૂર કરે તેવી અમારી માંગ છે। સામાજિક કાર્યકર અતુલ ગામેજી।